गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, वेरिएबल मीन्स मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स है, वैल्यू है 70,000, जबकि वेरिएबल कॉस्ट बता दिया है 50 रुपया करके 50,000। यूनिट्स को देख लेते हैं, 10,000 यूनिट प्रोडक्शन किया गया, 1000 यूनिट था अपने पास, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, 7,000 यूनिट को बेच दिए, तो 4,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। फीफो मेथड के हिसाब से इसका वैल्यूएशन करना होगा 4,000 का। तो 1,000 ओपनिंग स्टॉक था जिसका वैल्यू था 70,000, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है ये 1,20, वेरिएबल कॉस्ट है 60 पर यूनिट, जितना यूनिट प्रोड्यूस किए हैं 60 करके, प्रोडक्शन 10,000, सेल 7,000, 100 रुपया करके। हमको इनकम स्टेटमेंट बनाना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से। पहले सेल ले लेंगे और सेल में प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों लेंगे। प्रोडक्शन किया गया 10,000 लेकिन बेचा गया है 7,000, 1,000 ओपनिंग था तो 10 × 11, 4,000 बच गया है, तो 4,000 का प्रोडक्शन कॉस्ट लेस कर लेंगे। ओके, डिफरेंस ही हम लोग का इनकम आ जाएगा। तो ये है प्रॉब्लम। जब इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकल के वेरिएबल कॉस्टिंग दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे तो सब कुछ वैसे ही होगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। पहले सेल लेते हैं, सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सेम प्रॉब्लम है, अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे। सबसे पहले सेल्स आपका 7,000 यूनिट था और सेलिंग प्राइस 100 रुपया था, सेल होगा 7 लाख। इसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को फिलहाल नहीं लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोग 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, 10,000 यूनिट का 60 रुपया करके, ठीक, प्रोडक्शन कॉस्ट 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 60 रुपया करके प्रोडक्शन कॉस्ट है 6 लाख। इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, 4,000 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 4,000, दैट इज 2,40,000। आ ओपनिंग स्टॉक जो ऐड करेंगे उसका वेरिएबल पोर्शन को ऐड करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक 1,000 था, उसका वेरिएबल पोर्शन आपका 50 रुपया था, 50,000 को ऐड करेंगे, ठीक है, और कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। और अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट रहता तो उसको यहीं पे कंसीडर कर लेते, ये बाहर गया 4,10,000। 7 लाख में से 4,10 माइनस होगा 2,90,000, दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन, इसी को कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, ठीक है, कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट हो तो कंट्रीब्यूशन से माइनस कर देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट आपका 1,20,000 था, तो 2,90,000 था, 2,90,000 से 1,20 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 1,70,000 आ जाएगा। ये हम लोग का नेट इनकम हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का नेट इनकम हो गया 1,70,000। तो सबसे पहले सेल्स ले लिए, यहाँ सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करके माइनस, ओपनिंग स्टॉक का सिर्फ वेरिएबल आएगा, ठीक है, ओपनिंग प्लस कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट माइनस की आंसर हो गया। तो यहां लिख देते हैं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग वैल्यू ऑफ
ओपनिंग स्टॉक इज टेकन ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक का सिर्फ वेरिएबल पोर्शन, वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को देख लो, ये ओपनिंग स्टॉक 1000 था, उसका वेरिएबल 50 रुपया, 50,000, मार्जिनल कॉस्टिंग में 50,000, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो पूरा लेते हैं 70,000। यहाँ सेल देखो 7,000 यूनिट 100 रुपया करके था, 7 लाख। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ प्रोडक्शन का था, ये फिक्स्ड का था, प्रोडक्शन हुआ था 10,000। ठीक है, फीफो मेथड फॉलो करना है तो हम लोग को इनकम स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, तो ये बना दिया आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बना दिए, नेट इनकम आया आपका 198, और फिर मार्जिनल कॉस्टिंग बना दिए, नेट इनकम आया 170। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।